छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भरत ने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए, ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, प्रहलाद ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, और विभीषण ने अपने सगे भाई को छोड़ दिया भगवान के लिए, और राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया भगवान के लिए। प्रेम गली अति सा करी जामे दोयना समाय, एक ही आ सकता है। पीछे भैया निवेदन है आपसे, बैठ जाइए। अब काफी देर हो गई खड़ी खड़ी, बैठो बैठो बैठो, इधर आइए, आगे बैठो, इधर बीच में, ये जगह खाली पड़ी है। हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बहुत समझदार हैं। भैया बैठ जाइए, हमें पता मोटरसाइकिल आपकी है, आ जाओ बैठो। सब बैठे हो ना तब अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा बराए थे आए भाई कछु ठाड़े कछु बैठे, बात समझाया लेकिन कहा माने। गुरुजी सोचने लगे चेला ऐसे तो ना है, लुटेगो कुछ भी हो जाए तो सागर उठाओ संकल्प के लिए। तो उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाए डाली, और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। अब सागर से पानी ना निकल रो तो राजा बलि बोले महाराज क्या करें, भगवान बोले चिंता मत करो हम कछु कर रहे हैं, एक कुश निकालो। और उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली, और कुश की नोक चला करके जट बाई आंख फोड़ डाली। जो गुरुजी की आंख फूटी, गुरुजी बाहर आए बोले चेला से अब तो आंख फूट गई, अब तो मान जाओ। चेला बोलो तुम्हें दोनों फूट जाए हम मानवे वाले नहीं, का करें। संकल्प हुआ, जवाब दो महाराज सब अपनी जमीन है नापो, सब अपनी जमीन है नापो। तो प्रभु क्या करते हैं, अब बोले प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी से सयो विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंश नाप डाले, और तीन ही कदम की पृथ्वी में जट तीनों लोक। अब प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी शेष और दे दे, ले चुका दान के तीन कदम बस आधा कदम। आधे कदम की बात आई तो राजा बलि की पत्नी है जिसका नाम है विंध्यावती, बहुत चालाक है,
परीक्षित एक बिटिया और थी राजा बलि के, जिसका नाम था रतनमाला। जब इसने भगवान को देखा तो विचार किया कि अगर ऐसा बेटा मेरे पैदा हो जाए तो मैं उससे स्तनपान कराऊंगी। लेकिन जैसे ही भगवान ने तीन कदम में तीनों लोक नापे तो विचार किया अगर ऐसा बेटा मेरे पैदा हो गया तो मैं उसे जहर दे के मार दूंगी। ये रतनमाला द्वापर में आके हुई पूतना। भगवान बोले तेरी दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। यही रतनमाला द्वापर में आके हुई पूतना। विंध्यावती बहुत चालाक थी, इसने एक सवाल पूछा भगवान से कि आधे कदम की जगह नहीं है तो हमें आप ये बताइए कि दान बड़ा होता है या दानी। दान बड़ा होता है या दानी। तो भगवान बोले देवी पैसा तो हर किसी के पास हो सकता है, धनवान तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन जो मन हृदय दिल जो होता है दान करने का वो हर किसी के पास नहीं होता। कछु कछु इतने बड़े पैसा वाले हैं जो दुनिया में, जिन्हें खुद नहीं पता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, वो घर में एक छोटा सा हवन नहीं करवा पाते, है ना। क्योंकि तुलसी पक्षी ने के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। आपके कमाई का 20% कम से कम हिस्सा अगर धर्म में जाता रहेगा तो धन की कभी कमी नहीं होगी और वो धर्म हमेशा सुरक्षित और अच्छा रहेगा। बंधुओं अब विंध्यावती बड़ी चालाक है तो बोली महाराज अगर दान से बड़ो दानी होवे तो दान तो आप ले चुके हो, दानी दानी बचे न की पीठ ना पिले। भगवान ने पीठ पे पैर रखा, छोटो स्वरूप धारण कियो, एक सिर पे पहुंचा, प्रसन्न हुए भगवान। राजा बली से बोले ओरे राजा हम तो से प्रसन्न हैं, तू हमसे कछु मांग ले। भगवान की बात सुन के राजा बोले महाराज अब हमसे कह रहे हमें दे दो, अब हम तो कह रहे कछु मांग ले तो सुनो मंगन थे हम मांगत नहीं, हमें याद थे ना वे कारियन थे मांगे वे की। भगवान बोले मांगो तो सही, अरे मांग लो आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। बोले अगर देना चाहते हो तो पातालपुरी में जो मेरा महल है आप उस महल का पहरा लगाओगे। बोले ठीक है, 4 महीना हम, 4 महीना शंकर, 4 महीना ब्रह्मा। बोले नहीं ब्रह्मा और शंकर ना आए तुम आयो तो तुम ही पहरा लगाओ। बोले ठीक है। अब भगवान पैर ऐसे नहीं मारा जाता, भगवान पैरा लगाए रहे। काफी दिन है गए जब क्षीर सागर में नाई पहुंचे तो लक्ष्मी मैया बड़ी परेशान है। बाबा नारद जाए के बोले मैया भगवान दिखाई ना दे रहे कहां गए। लक्ष्मी बोली ऐसा तो ही ना सकते हो, तुम्हें पता ना हो भगवान कहां है। बाबा नारद बोले हमें पता है ना भगवान की नौकरी लग गई। नौकरी कब? बोले अब यही लगी है 1 महीना ना ही बहुआ। बोले तो तनखा कितनी है? जवाब दो 56 ना मिलने वाली। बोले छुट्टी है महीना पे साल पे 6 महीना में। बोले छुट्टी ना मिल सकती। बोले अगर जब रिटायर हुई है तो कुछ फंड मिली है? बोले 54 ना। तो बोले जब कुछ मिलवे वालो ना है तो नौकरी का ही काम की है। मैया लक्ष्मी बोली लीला नारद
जिस दिन से जुदा प्रभु हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। हमसे हुए इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। हे शान का मोह उतरा उतरा, शान का मोह